मैं एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाई गई हूँ और इनकी गर्लफ्रेंड दिखाई गई इस फिल्म में। जैसे पता चल जाती कि 500 साल एक हीरा जब सुनते हैं हम, तो बहुत हम सारे स्टूडेंट सरप्राइज होते हैं। तो किस प्रकार के हम उस पर खोजने के लिए, जैसे कि हीरा हमने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं होता, जब सुनते हैं तभी सरप्राइज होते हैं, पर किस तरीके वहाँ से पहुँचते हैं, कैसे मुसीबत पे सामना करते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है हमारे बीच में, तो ये कहानी आपको इस फिल्म में दिखाई मिलेगी आपको। तो बहुत एंटरटेनिंग है, ग्लैमर है, और काफ़ी टाइम के बाद एक हॉरर फिल्म आई है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी सबको। और स्पेशली मुझे एक्चुअली ये फिल्म मुझे ये शक्तिवीर दिराल सर ने ऑफर की है। इन्होंने मेरा काम देखा है तो इन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे सेकंड मूवी में काम करोगे, तो ये मेरे लिए एक्चुअली फर्स्ट फिल्म है बेरा जो इनके साथ। सीरियसली मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू सो स्पेशली आपको। पढ़ी चुके होते हैं उनके कहने के हिसाब से, क्योंकि मैं एक बार मिली थी एक अघोरी से तो मैं डर गई थी। तावीज़ के लिए नहीं, एक्चुअली हम उज्जैन गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो वहाँ परिक्रमा होती है जो कि लगाई जाती है पैदल। तो उस परिक्रमा करते टाइम ही ना मैं एक कुटिया टाइप का बना था, तो मेरे जो कज़िन थे उन्होंने कहा तुम्हें पता है यहाँ अघोरी रहते, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, अघोरी कैसे होते हैं, तो चल के देखते हैं। तो अघोरी बैठे थे जीप से, लंबे बाल, और वहाँ पर ना वो फॉरन की दो तीन लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो भी वो चिलम विलम पी रहे थे, और तब मैं फिल्मों में नहीं आई थी, तो मेरी मम्मी बोलती अघोरी बाबा इसको आशीर्वाद दो मेरी लड़की को, तो वो देखता हाँ हाँ ये हीरोइन बनना चाहती है, हीरोइन बन जा, तो उनका ये जवाब था नहीं बनेगी। की थी ये एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने की, पिक्चर बनाने की, और हम हमारे हिसाब से सफल भी हुए, और पिक्चर की स्टोरी मिस्ट्री लव मर्डर्स हर चीज़ में बहुत ही अच्छी है। तो आपने ट्रेलर तो देख चुके हैं और उससे अंदाज लगा सकते हैं आप। हम विदर्भ से, नागपुर सिटी, एक्चुअली मैं नागपुर से 100 किलोमीटर चंद्रपुर वहाँ का हूँ, बट सेंटर पॉइंट हमारा नागपुर है। प्रेम धीराल से तो बाद में, पहले शक्तिवीर धीराल से मेरा फ्रेंड सर यानी दोस्ताना था, और ऐसे ही कोरोना टाइम में जब बातें वगैरह चर्चा हुई तो बोला चलो भाई तुम करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं, मैं हूँ आपके साथ, हिम्मत दिया उनको, बाकी बेस्ट ऑफ बेस्ट मेहनत उनकी है, बिल्कुल बनाएंगे। क्या बोले जी सर, बोलिए आपका सेंटर आपके जो जो ट्रेलर ये हुआ है वो बहुत अच्छा है, बेरा एक अघोरी, ये बेरा एक अघोरी पिक्चर बहुत ही बेस्ट पिक्चर है। मेरी सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए, और जो प्रोड्यूसर है राजू भारती जी उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, और बहुत ही बेस्ट पिक्चर है और सभी जनों ने देखना चाहिए, थैंक यू। एक्चुअली ये मेरे वाइफ के चाचा है, कल्याण में रहते मुंबई से, दोनों चाचा है। सेंसर हो गया, सेंसर में कोई दिक्कत नहीं? सेंसर में दिए हो जाएगा, 8 दिन में उनके, 8 दिन पहले दिए है, आ जाएगा 2-3 दिन में। थैंक यू। लंच पे आई हूँ और ट्रेलर देख के लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, एंड एज एन एक्टर एंड एज एन डायरेक्टर सबको देख के बहुत अच्छा लगा, और ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, होप करते हैं मूवी भी सुपर हिट हो जाए, ओल्ड वाइज कर रहे हैं रिलीज, तो मैं सारा ये बेरा द अघोरी टीम को पूरे तहे दिल से शुभकामना देना चाहती हूँ, और बहुत कामयाबी मिले और सारे नए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको अगला प्रोसेस के लिए अगला कदम चलने के लिए ये उनका अच्छा फर्स्ट स्टेप मिले उन लोगों को, तो मैं सब टीम को कंग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, और स्पेशली मीडिया को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना सब हमारे सब कुछ दुनिया के सामने में मीडिया ही लेके आती है, तो ऑलवेज मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, और थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, ब्रिलियंट वर्क, एंड
कांग्रेचुलेशंस। चैलेंजिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक्चुअली हमारा ये पहला फिल्म है कि लोगों के नज़रों में हम सही ठहराए जाएं, और ये पहला हमारा फिल्म होने की वजह से काफ़ी सारे टफ चीज़ें हमारे सामने आई, और ऊपर से हॉरर, हॉरर में बहुत ज़्यादा एक्टिंग, बहुत VFX और एनिमेशंस के शॉट्स थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे सामने हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, और फिर भी हम नया कदम रखने जा रहे थे, और हमें ऐसा कंसेप्ट मिला कि हमें चैलेंजिंग था, तो भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको निभाया है। और ये हम ही नहीं, एज अ डायरेक्टर के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिल्म जब भी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएगी या लगेगी, तो वाकई में आप देखना, उसके बाद हमें रिव्यू देना या हमें जो मैसेज करना है आप करें, तो ये बेहतर है। क्योंकि ओवरऑल डायरेक्टर हो या फिर राइटर हो या फिर एक्ट्रेस हो, जितने भी फिल्में बनाते हैं, तो वो उनका जो फिल्म होता है वो उनको तो अच्छा ही लगता है। पर मैं एज अ डायरेक्टर के नाते कहना चाहूँगा सभी से कि इस फिल्म को, इस ट्रेलर को देखें, हमारे सॉन्ग्स को देखें, देन फिर फिल्म देखने जाए, और देखने के बाद हमें रिव्यू करें या हमें फिर सराए। मैं पहले नहीं चाहूँगा कि हमें पहले ही जज कर ले, पहले ट्रेलर देखे, सॉन्ग्स देखे, उसके बाद हमें आशीर्वाद दे सभी का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये पहला कदम है, आपका सबका प्यार हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और मैं मांग के ले रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ आपसे कि आपका सबका प्यार हमें दो, कि हम आगे चल के और से अच्छा फिल्में या अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएं। शक्ति भाई, आपने कभी प्रोड्यूस किया इसको? राजू भारती जी ने, और शक्ति धीराल, प्रेम धीराल जी ने डायरेक्ट किया है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, जैसे कि आप देख के ही ना ऐसा लगता है, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार किसी ने फिल्म प्रोड्यूस की है। देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, ट्रेलर देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, तो जब हम थिएटर जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। और मैं पब्लिक से, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने निकट थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें, बहुत प्यार दे, सम्मान दे, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतनी मेहनत करते हैं फिल्म को बनाने के लिए। उसके पीछे जो टीम होती है, मेकअप वाला होता है, हेयर वाले होते हैं, स्पॉट दादा होता है, ये सबकी बहुत मेहनत होती है, और बहुत खूबी से इसको बनाया गया है। तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी को, और अपने निकटतम इसमें जाइए और इस फिल्म को देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मैंने अभी आपको अंदर ही कहा था, प्रोड्यूसर का दर्द आपको बताया था सबको, लेकिन मैं गुड विशेज देना चाहूँगा प्रोड्यूसर राजू जी को और एंटायर टीम को। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और ट्रेलर तो बहुत ही लाजवाब है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, और जो उसकी जो खुशबू है, जो कलर है, जो वो ऐसी महक दे रहा है कि लोगों को एक हट के कोई चीज़ मिलने वाली है और लोग एंटरटेन करेंगे। आई थिंक अभी तक लोगों ने काफ़ी सारी मतलब एक्शन वैक्शन वाली फिल्म दी है, ये जो हॉरर टाइप की फिल्म है ये अभी तक आई नहीं है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, और जो अब आ रही है, तो लोगों से मैं जनता से अपील करूँगा कि एक बार ज़रूर जाके देखें। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है लोगों ने, और ये एंटायर टीम ने, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उनका सबका, आप सबका आशीर्वाद उनको दीजिए और फिल्म को हिट कराइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल टीम, एंड सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे सीरियसली ये देख के नहीं लगा कि ये इनकी पहली फिल्म है, मतलब बहुत मज़ा आया ये ट्रेलर देख के, और मतलब कुछ यूनिक और कुछ नया देखने को मिला इस मतलब ट्रेलर में। लेकिन ये मूवी मैं ज़रूर देखूँगी, मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन ये मूवी मैं ज़रूर देखूँगी, और ये मूवी मतलब लाइक सुपर हिट होने वाली है, और मेरी नज़र में तो अभी से सुपर हिट हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। सेंटर नहीं है, सेंटर में देखना है ना, सवाल कहीं से रहेगा। थैंक यू, आप लोगों को सिर्फ सेंटर नहीं है। तो प्रेम भाई, शक्ति भाई, आप लोगों की नई फिल्म का यहाँ पर ट्रेलर आज लॉन्च किया गया, मेरा एक अघोरी, सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं इस मौके पर, मीडिया से क्या शेयर करना चाहते हैं जी? ये फिल्म मेरा एक अघोरी, हमारा मकसद ये रहा है कि कई दिनों से, कई सालों से भी हम देखते आ रहे हैं कि एक्शन फिल्म में आती है और लव स्टोरी वाली फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, लेकिन आप गौर करोगे तो हॉरर फिल्मों का जो कारवा है या हॉरर फिल्मों का जो कंसेप्ट है बहुत कम आता है। तो हमारे मन में, मेरे मन में ऐसा आया कि हॉरर पे एक फिल्म लिखी जाए,
तो फिर मैंने हॉरर के ऊपर सोचा कि बहुत से फिल्में हॉरर पे आती है, तो मैंने कुछ अलग कंसेप्ट क्या हो सके, तो वो मैंने सोचा, तो मेरे माइंड में आया कि अघोरी, अघोरी का कुछ ऐसा कंसेप्ट हो कि लोगों को भी कुछ अलग लगे, हटके लगे, क्योंकि बहुत से बार ऐसे होते हैं कि चुड़ैल की है फिल्म, भूत की है, पिशाच की है, लेकिन अघोरियों के ऊपर बहुत कम बनी है, तो मेरे माइंड में ऐसा आया। तो अघोरी के साथ साथ भूतों का भी यहाँ पर कुछ ऐसा कारवा है जो काल्पनिक है, मैं आपको बता दूँ, तो अघोरियों और कुछ आत्माओं का ऐसा कुछ कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है, और उनके बीच हम कॉलेज के जो सीनियर कॉलेज के लड़के लड़कियां होते हैं तो हीरे की खोज में जाते हैं, और कहानी का मकसद यह है इसमें कि 500 साल पहले का एक एरा दिखाया गया है और 500 साल बाद का, तो जिसके वजह से ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी और फिल्म, और लोग इंजॉय करेंगे क्योंकि 500 साल पहले का भी जो कारवा दिखाया गया है उसमें भी लोगों को एंटरटेन होगा, और उसके 500 साल बाद का जो कारवा दिखाया गया है और हम हीरे की खोज में निकलते हैं, तो वो कारवा लोगों को अच्छा लगेगा, और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस थिएटर तक आए और हमारी फिल्म को सराहे और हमारी फिल्म को देखे। गेस्ट के रूप में नहीं, मैं जुड़ी हुई भी नहीं, पता हाँ मैंने पोस्टर शूट किया है, आप देख सकते हैं वहाँ, सॉरी ओके हाँ राइट, ये पोस्टर में मैं ही हूँ, तो मैंने बस पोस्टर शूट किया हुआ है। क्या नाम है आपका, पूरा बताओ? सुनीता प्रजापति, सुनीता प्रजापति नाम है मेरा, और मैंने सिर्फ पोस्टर शूट किया हुआ है फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए। मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ, फिलहाल मॉडलिंग ही कर रही हूँ, बाकी देखते हैं। थैंक यू जी। ट्रेलर देखा होगा जी, बेसिकली आपकी नहीं बन रही थी, तो आपने तो पहले ही देख लिया होगा। इनफैक्ट हमने ही बनाया ट्रेलर, हाँ, भी हमने बनाया, इसका प्रमोशन प्लान भी हमने किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही कर रहे हैं इसका पूरा, तो इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी हमारे पास ही हुआ है पूरा। हम लोग एक 350 सिनेमा में एक प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन हम लोग यूएई में भी प्लान कर रहे हैं, और यूएस का भी कुछ एक कुछ सेंटर्स के लिए बात चल रहा है, बट वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल से 2-4 कंट्री में हो जाएगा, प्लस अपना इंडिया पकड़ लिया। नहीं, पिक्चर तो बहुत बढ़िया है, सुपर मूवी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि जो स्टार कास्ट नहीं है तो पिक्चर ना, क्योंकि हम खुद देख रहे होते हैं कि हमारा काम ही है, साल में 60-70 पिक्चर हम लोग का पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हम हर सिनेमा को देखते रहते हैं, तो एक अलग जोनर है, कभी भी क्या होता है इस टाइप के जो सिनेमा होते हैं, जैसे हॉरर सिनेमा होता है या सस्पेंस सिनेमा होता है, तो वो हमेशा वो कहीं ना कहीं एक उसमें एक खिंचाव होता है, लोग देखते हैं, हम लोग भी कभी सर्फिंग करते करते जहाँ सस्पेंस दिखा था वहाँ पर रुक जाते हैं, तो ये टेलीविजन में उसमें वगैरह ज़्यादा इसका चलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, इसलिए कि एक तो सारे इसमें गेस्ट में भी सारे हमारे प्रोड्यूसर्स है, कोई एग्जीबिटर्स है, कोई फिल्म से रिलेटेड लोग हैं, तो अच्छा है कि चलो सब आवे, सबको दुआएं मिले और पिक्चर चले, और हम पहले तो बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ मैं बेड़ा की पूरी टीम को। लाउडली बोलिए सर। हाँ जी, जोर से सर। नहीं हो रहा है? नहीं सर, आ रहा है। तो पहले तो बेड़ा की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ मैं, जो इसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस टू द बेरा टीम, भारती साहब को मैंने मैंने कांग्रेचुलेशंस, आई होप उनकी ये फिल्म सक्सेस के भी ऊपर चला जाए, और द ट्रेलर लुक्स रियली नाइस, और फिल्म आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। और यही है, मेरा नाम सूरज मिश्रा है, एंड करी प्रोडक्शन हाउस है, फिल्मी केयर प्रोडक्शंस, तो इस इवेंट पे आके बहुत अच्छा लगा है, स्पेशल थैंक्स टू सतीश पुजारी जी जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सबसे